अगर आप घर बैठे बाहर की टेस्टी रेसिपी खाना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए निशाज कुजीन को और बेल आइकन दबाकर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस का मैसेज इजली आप तक पहुंच सके। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशा और निशाज कुजीन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक डिफरेंट टाइप का पकौड़े लेके आई हूँ जिसे कहते हैं नोनी के साग का पकौड़ा। ये बिहार में बहुत ही ज़्यादा फेमस है और ये जीवित पुत्री का व्रत एक होता है उसमें इस नोनी के साग को ज़रूर यूज़ किया जाता है। तो हम इस नोनी के साग को एक डिफरेंट टाइप से यूज़ करते हैं, वो है पकौड़े के साथ। नोनी के साग का टेस्ट बहुत ही टैंगी होता है, ये थोड़ा सा चटपटा टेस्ट का होता है खुद में। इसके अंदर नमक और खट्टापन इनबिल्ट होता है, इसमें किसी भी तरह का बाहर से खट्टापन डालने की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें नेचुरल खट्टापन होता है। तो चलिए बनाते हैं नोनी के साग का पकौड़ा निशाज कुजीन के साथ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक साग है नोनी का साग। ये देखिए नोनी का साग, इस साग का पकौड़ा। ये साग बहुत ही डिलीशियस बनता है जब आप साग के फॉर्म में बनाएं तो भी, और उसका अगर ये पकौड़े के फॉर्म में पेश आएगा तो सोचिए कितना यमी और चटपटा बनेगा। इस साग का टेस्ट खुद में एक बहुत ही टैंगी, थोड़ा सा चटपटा होता है, इसमें खटास होती है। इस साग में के टेस्ट में एक खटास होती है जो नेचुरल होती है और बहुत ही डिलीशियस होती है। तो चलिए आज हम बनाते हैं इस चटपटे से साग के पकौड़े। इसे नोनी का साग कहते हैं। बिहार में इसे जीवित पुत्री का व्रत जो है उसमें इसका यूज़ ज़रूर किया जाता है। तो चलिए आज बनाते हैं हम बिहार का एक साग, नोनी का साग, उसके पकौड़े। उसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है बेसन, राइस फ्लोर, चावल का आटा हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि इसमें एक अच्छा सा क्रिस्प आए। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि साग का टेस्ट ही एक बहुत ही परफेक्ट टेस्ट है जो कि किसी भी और चीज़ को डालने की ज़रूरत नहीं होती है इसमें। इसमें मैं थोड़ी सी जीरा पाउडर, थोड़ी सी टर्मरिक पाउडर, थोड़ी सी धनिया पाउडर और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। साथ में मैं यहाँ पे कद्दूकस किया हुआ अदरक डाल रही हूँ। बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, और ये साग। पहले हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, इसे हाथ से ही अच्छे से मसल मसल कर इस बेसन और चावल के आटे में मिलाएंगे क्योंकि साग में खुद में एक पानी होता है और इसे मसलना बहुत ज़रूरी है इसके साथ ताकि इसका जो साग का टेस्ट है वो खिलकर हमारा चावल का आटा और बेसन में मिल जाए। तो इसलिए हम इसे हाथों से ही मिक्स करके बनाएंगे। इसमें मैं थोड़ी सी नमक डालूंगी। ये साग थोड़ा सा नमकीन होता है इसलिए नमक डालने के पहले थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये साग खुद में थोड़ा सा नमकीन होता है तो बहुत ज़्यादा इसमें नमक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें नेचुरल विटामिन सी भी होता है जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। साग हेल्दी तो है ही, साग में विटामिन सी का भी आता है क्योंकि इस साग में विटामिन सी भी आता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा चटपटा मतलब कि खट्टा होता है। ये साग का
का टेस्ट खट्टा होता है, जो कि विटामिन सी का भी स्रोत है। इसे हम अब देखिए इस तरह से मिक्स कर लेने के बाद ये खुद में मुट्ठी बनना शुरू हो गया। तो हम हल्का सा इसमें बिल्कुल हल्का सा पानी डालेंगे, थोड़ी सी केवल बाइंडिंग के लिए, कि थोड़ा सा बाहर का भी मॉइस्चर आएगा और उसके बाद ये पकौड़े के रूप में तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स ये देखिए हमारा इसका मिक्सचर तैयार हो गया है। अब इसे आप चाहे तो डीप फ्राई करें, आप चाहे तो इसे तवा पे सेकें। तो मैं इसे आज तवा पे सेकने जा रही हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं डीप फ्राई अवॉइड ही करती हूँ। तो मैं यहाँ पे इसे अपने पैन को हल्की सी ग्रेसिंग करके उसमें सेकूंगी। यकीन मानिए ऐसा नहीं है कि डीप फ्राई से ही बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप जब इसे इस तरीके से भी सेकेंगे तो भी अच्छा खिलकर आएगा। मैं इसे इस तरह से गोला लेकर यूं करके छोटे छोटे पतले पतले करके इसे यूं सेकने के लिए डाल दूंगी, इसी तरीके से पूरे में, और इसे ढककर पका लूँगी। चावल का आटा इस कारण डाला है ताकि ये बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से क्रिस्प हो जाए। बहुत ज़्यादा इसे मोटा मोटा नहीं सेकेंगे हम, बिल्कुल पतला पतला ही सेकेंगे। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस टेस्ट इसका खिलकर आता है। नोनी का साग देखिए इस तरीके से, देखिए मैं बिल्कुल पतला पतला ही बना रही हूँ ताकि ये बहुत अच्छे से क्रिस्प हो जाए, क्योंकि मैं इसे डीप फ्राई भी नहीं कर रही हूँ, इसलिए देखिए इस तरीके से मैं अब इसे एक लीड की मदद से ढक दूंगी। फ्रेंड्स अब मैं अपने नोनी की पकौड़े की कंडीशन देखती हूँ। वाह देखिए, देखिए सेकेंड साइड से भी कितना अच्छा ये सिक गया है, सारा का सारा, किसी भी तरीके का कोई कच्चापन नहीं, कुछ भी नहीं। देखिए देखिए अब इसे हम एक प्लेट में निकालते हैं। मैंने आज इसे चटपटी तीखी और मीठी चटनी के साथ सर्व किया है। आप भी इसे बनाइए और अपने स्नैक्स टाइम रेसिपी में इसे शामिल कीजिए। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, तथा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी इसे शेयर करें और हमें बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही है। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हमें अपना प्यार दें और सपोर्ट करें। थैंक यू, फिर मिलेंगे किसी और रेसिपी के साथ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।